दूसरे के लिए मियाँ बीवी लिबास होते हैं, ठीक है। तो लिबास का मतलब होता है कि वे एक दूसरे को ढांपते हैं। मर्द जो है वो औरत की बुराइयों को छुपाता है, और जो औरत होती है वो अपने शोहर की बुराइयों को छुपाना उसका फर्ज होता है, उसको छुपानी चाहिए, क्योंकि जो बीवी होती है उसकी इज्जत शोहर की वजह से होती है और शोहर की इज्जत बीवी की वजह से होती है। औरतें बैठ जाती हैं और फिर अपने शोहरों की गीबतें और चुगलियाँ करती रहती हैं। देखें, आप गीबतें और चुगलियाँ अपने शोहरों की करती रहेंगी, उससे आपके शोहर ने नहीं बदल जाना, आपके हालात ने नहीं बदल जाना। हाँ, दूसरों की नज़र में आपका वकार ज़रूर कम हो जाता है। याद रख लें, बीवी की इज्जत शोहर की वजह से होती है, शोहर के बगैर नहीं होती। आप जो खवातीन हैं स्पेशली, अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, क्योंकि मलका बादशाह की होती है। अगर आप अपने शोहर को नौकर बना के रखेंगी तो याद रखें, नौकर की बीवी नौकरानी होती है, मलका नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत मसला है खवातीन को अपने शोहर को नीचे लगाने का। क्यों नीचे लगाना चाहते हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मर्द को सुप्रीम अथॉरिटी दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मर्द को घर का सरबराह बनाया, तो औरत क्यों बनना चाहती है सरबराह? उसको वो काम करने चाहिए कि जिससे उसकी इज्जत हो। शहद की मक्खी को चाहिए वो शहद बनाए, हाउस फ्लाई जो है वो शहद नहीं बना सकते। ये जो हाउस फ्लाइज होती है, ये अलग टॉपिक है कि इनके इनके कितने फायदे हैं। शहद की मक्खी का काम शहद बनाना है, हाउस फ्लाई का काम गंद खत्म करना है, वो दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। ये जो है खवातीन को मैं स्पेशली कहूँगा, अगर अपने घर को बचाना चाहती हैं, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, अगर अपना वकार बचाना चाहते हैं, अगर अपनी माशरे में कोई रिस्पेक्ट रखना चाहती हैं, तो प्लीज़ अपने ससुराल की और ख़ास तौर पर अपने शोहर की कभी 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 किसी तीसरे शख्स से बात ना करें। ये एक बड़ा ही जामे क्राइटेरिया है। आपके इज्जत आपके ससुराल की वजह से, याद रख लें, आप अपनी इज्जत अपने ससुराल की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी शोहर की इज्जत नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। और चूंकि उनकी इज्जत कोई नहीं करेंगे, आप याद रखें, अब आप उनके घर का फर्द हैं, तो जो कि उनके घर की इज्जत नहीं हो रही, आप उनके घर के अंदर आते हैं, लिहाजा आपकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। हाँ, सामने लोग बड़ा कुछ कहेंगे, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये है वो है, ठीक है, सारा कुछ। कज़न इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं और पूछती हैं, चुगलियाँ करती रहती हैं बैठ के, ठीक है, ये गलत बात है, पहले बैठ जाती हैं इकट्ठी होकर चुगलियाँ करती रहती हैं। हाँ, अच्छी बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं।